Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel, The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शत्रु आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर और कमेंट जरूर करें. तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके जो भी दुश्मन हैं वो आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं. तो शत्रु आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे. मीन्स आपको फंसाने के लिए, आपको परेशानी में डालने के लिए शत्रु अब कौन सा जाल बुन रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे. तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके शत्रु उनके लिए क्या जाल बुन रहे हैं ये हम देखेंगे. बहुत सारे ऑलरेडी कार्ड निकल चुके हैं इसलिए मैं कार्ड्स को बस इतने निकालूंगी. टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक. तो यहाँ पर आया है जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ. तो शत्रु आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे. और भी हम कार्ड्स लेंगे, इन कार्ड से और हम देखेंगे कि शत्रु आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं. शत्रु आपके लिए कौन सा जाल बुन रहे हैं लेंगे. एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हाउस. यहाँ पर टू ऑफ कप्स. सडन वेल्थ, मेन मेल, जर्नी, प्रिविलेज, लेडी, चेंज और कोर्ट हाउस. आई होप ये कार्ड आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे. अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की. आपकी राशि मकर राशि है, आपकी राशि तुला है, वृष है, और आपकी राशि जो है वृश्चिक है, धनु है. ये जो साइन है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं. आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो फरवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, फरवरी हो सकता है और अगस्त हो सकता है. ये डेट ऑफ बर्थ के आपके मंथ हो सकते हैं. तो जो पहली जो चीज मुझे आपके लाइफ में दिख रही है कि शत्रु क्या आपकी लाइफ में आपको परेशान करने के लिए, आपको परेशानी में डालने के लिए पहला क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो चीज ये करना चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, टोटली चेंज. और यहाँ पर इस कार्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो बर्थ डेथ का सॉरी कार्ड है
यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि कुछ एंडिंग करना चाहते हैं शत्रु आपकी लाइफ में, किसी प्रकार का बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, और ये जो बदलाव है ये आपको बहुत परेशानी में डाल दें, आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं, आप परेशान हो जाएं, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। इस तरह से ये चेंज ये आपके शत्रु लाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पैसे के कारण, पैसे की वजह से जो आपके शत्रु है वो चाहते हैं कि डेथ, डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि किसी इंसान की या किसी सिचुएशन की एंडिंग करना चाहते हैं ये लोग, और सिर्फ पैसे के कारण। कि अचानक से इन लोगों को बहुत पैसा मिल जाए, इनकी लाइफ में बहुत पैसा आ जाए, ये बहुत रिच बन जाए, और जिससे भी आपको शत्रुता फील होती है, जिस भी फैमिली से हो सकता है आपको शत्रुता लगती हो, उस घर का या आपके ही परिवार का कोई मेन मेल है जो कि ये चाहता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आए, आप टोटली बैनिश हो जाओ, टोटली बर्बाद, रियून, डिस्ट्रॉय हो जाओ। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, सिर्फ पैसे के लिए ये सब हो रहा है खेल, ये जो जाल जो बुना जा रहा है सिर्फ पैसे के कारण या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा हो उसके कारण किया जा रहा है, जाल बुना जा रहा है, ताकि सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की जा रही है ताकि जितना भी शेयर है वो सब उनको मिल जाए। यहाँ पर कोर्ट हाउस का कार्ड आया है जो कि ये बताया जा बता मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी किसी से शत्रुता है या आपकी किसी से बहुत बुरी तरह भी रिसेंट में कोई दुश्मनी हुई है तो आप बहुत संभल कर रहे, हो सकता है आपको किसी कोर्ट केस में फंसाया जाए, और जो भी आप काम करें बहुत सोच समझ के करें, ऐसा नहीं हो कि आप परेशानी में आ जाएं, कोई लीगल इशू जो है वो क्रिएट हो जाए आपके लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और जो भी जाल बुना जा रहा है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बुना जा रहा है, मीन्स जिसका प्रभाव लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ लोग आपके इन लॉज की तरफ से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि आप कंसीव करो। यहाँ पर अगर कंसीव कर लिया है तो बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, या बहुत झगड़े चल रहे हैं उस वजह को, उस चीज को लेकर, और कोई नहीं चाहता कि आपके घर का जो है वारिस पैदा हो, आपका जो जो अधिकारी है आगे, वंश का जो आगे जो वंश चलाने वाला हो वो पैदा हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की एबंडेंस को रोका जा रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा जाल बुना जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो वो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, कि जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए, आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, बराबर बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है फैमिली लाइफ में, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो, और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी
आपकी रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप काम जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या किसी कंपनी में हैं और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको बाहर भेजने के बहाने आपको किसी परेशानी में डाला जा रहा है, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर या तो कोई मेन मेल हो सकता है या कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो सिर्फ अपना फायदा सोच रही है। इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका सोसाइटी में, अगर आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी हैं, हो सकता है अगर आप पॉलिटिक्स में हो या कहीं और किसी भी जगह पर हो सकता है आपका नेम फेम बढ़ा हो, आपको अप्रिसिएशन मिल रही हो, आपको आपका प्रमोशन हो रहा हो, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन भी रुकवाने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ आपके नेम और फेम को ख़राब किया जा रहा है। और ये वो लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, वो लोग करना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कि कोई ऐसा इंसान, अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में फीमेल, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में मेल, कोई ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में फ़ायदा उठाने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि वो कोई फाइनेंशियल गेन कर सके, सडन वेल्थ ले सके या कुछ प्रॉफिट ले सके आपसे। अगर आप बहुत स्टेबल हैं फाइनेंशियली, आपका स्टेटस बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर कोई मेल या फीमेल आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो कि आपको इंटर कर सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के बहाने। आपको हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपकी लाइफ ख़राब कर दे, आपकी लाइफ रियून कर दे। यहाँ पर बराबर प्लानिंग चल रही है आपको परेशानी में डालने के लिए। और जो भी इस बार शत्रु कर रहे हैं, 70% लोगों के लिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये जो जाल ये बुन रहे हैं, ये टोटली आपको इस बार रियून करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको परेशानी में डालने के लिए किया जा रहा है। आपके जीवन में से बैलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको यहाँ पर ऐसे भी मुझे ऐसा लग रहा परेशान किया जा रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस तरह से वर्कलोड दे दे के परेशान किया जा रहा है कि आप बहुत इरिटेट हो जाओ, और इरिटेशन में आप कोई डिसीजन ले लो या आप कुछ गलत कर दो, ताकि उनको आपको हटाने या आपके खिलाफ कुछ एक्शन लेने में मदद मिले। ऐसा भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, तो वो मैरिज प्रपोजल आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए आ रहा है, और वो जो मैरिज प्रपोजल है वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन लेने के लिए आपके लिए आ रहा है। अगर आप उनसे मैरिज करते हैं, अगर आप उनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या उनके साथ मैरिड हो जाते हैं, मीन्स शादी हो जाती है, तो ये जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, वो आपके सिर्फ फाइनेंसेस को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो जो है फ़ायदा लेने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहता है। और भी हम कार्ड लेंगे। प्रोजेक्शन, कंपैरिजन, क्रिएटिविटी, देखिए सेम कार्ड यहाँ यहाँ आया है, कॉन्शियसनेस, स्लोइंग डाउन, सेम कार्ड ये वाला, माइजर,
रिपेन यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके खिलाफ कोई ऐसा भी षड्यंत्र, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं या आप किसी कंपनी में हैं तो आपकी पोस्ट को लेने के लिए, हासिल करने के लिए आपके लिए कोई जाल बुना जा रहा है। और ये जो जो भी जाल, जो भी कॉन्स्पिरेसी या जो भी साजिश की जा रही है आपके लिए या षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इसलिए ताकि आप को लॉन्ग टर्म लॉस देने के लिए। और ये लोग जो हैं, हो सकता है आपके आसपास के ही लोग हो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके करीबी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो कि हैं तो कुछ और लेकिन ऊपर से दिखा कुछ और रहे हैं, इनका चेहरा कुछ और दिख रहा है और अंदर से हैं कुछ और। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है और ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट रखना है, आपको थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करना है, साथ साथ आप को जो है बहुत सोच समझ के जो काम भी करें, बहुत सोच समझ के अलर्ट रह के अवेयर रह के करें। अगर आपको लगता है कि इस जगह, अगर आपको लगता है आपके वर्क प्लेस पे खतरा है, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा भी हिंट आता है, अगर आप अपना थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, ओपन रखेंगे, तो आपकी लाइफ में आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाएगा, पहले ही आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी, आप परिस्थितियों को भांपने लगेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप सेवन चक्रा ब्रेसलेट पहनिए या फिर आप थर्ड आई को एक्टिवेट रखने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज आता है वो पहनिए, या फिर आप जो है एमिथिस्ट पहनिए, एमिथिस्ट ब्रेसलेट पहनिए। अगर आप ये पहनेंगे और थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट रखिए। और थर्ड आई चक्रा को हम कैसे एक्टिवेट रख सकते हैं, आप चाहें तो केसर को जो है, केसर आता है जो, उसको भिगो के रख लें थोड़ा सा, दो तीन लच्छे, और जब आप पूजा करें तो उसको, केसर को आपको अपने जो थर्ड आई जहाँ पर हम बिंदी लगाते केसर का तिलक, डेली करना है आपको। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपको अपने चक्रास पे काम करना है, बैलेंस रखना अपने चक्रा को, स्पेशली थर्ड आई चक्रा। अगर आप थर्ड आई चक्रा को बैलेंस रखेंगे, एक्टिवेट रखेंगे, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगे कि आप जो है आने वाली परिस्थिति, जो भी बैड सिचुएशन क्रिएट आपकी लाइफ में होने वाली है, वो आप भांप जाएंगे, उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको अपने पहले तो पूरे चक्रा को बैलेंस रखिए और कोशिश, अगर सारे चक्रा नीचे के बैलेंस है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, और फिर सबसे सिक्स्थ नंबर पे थर्ड आई, और फिर उसके ऊपर क्राउन चक्रा। तो आपको थर्ड आई चक्रा को बैलेंस रखना है। आप सेवन चक्रा ब्रेसलेट आप ले सकते हैं, अमेजन पे मिलता है, उसमें आप रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, अगर 4 रिव्यूज़ आ रहे हैं, 4 स्टार आ रहे हैं रिव्यूज़ में, या 4.5 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, मींस वो जो ब्रेसलेट है वो अच्छा है, आप उसको ले सकते हैं और वो रिटर्न भी हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आए, बाई चांस लगे कि ख़राब आ गया या डुप्लीकेट आ गया, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। तो आप सेवन चक्रा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये आप पहनिए। साथ साथ हम कुछ और भी कार्ड लेंगे और यहाँ पर मैं जो भी आपके शत्रु हैं उनके कुछ ट्रेड्स बता रही हूँ कि ये इनके क्या ट्रेड्स हैं, आप इनसे इन लक्षणों को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये आपके डेफिनेटली शत्रु हैं।
इनकी जो राशि है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। साथ साथ इनको स्पोर्टी स्टाइल के कपड़े पहनना पसंद है। इनकी राशि जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है। इनके जो है गोल्डन कलर के हेयर हो सकते हैं। इनकी ग्रे कलर की आईज हो सकती है। रोमांटिक हो सकते हैं बहुत। फैमिली के, मैंने आपको पहले ही बोला था, फैमिली के कोई लोग भी हो सकते हैं। इनका नेचर बहुत शाई हो सकता है। बहुत शाई दिखते हो आपको, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। देखिए बुरी नज़र डालते हैं ये लोग आप पर। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तो हमेशा आपकी तरफ बुरी नज़र डालना। और ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप जो हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में पैसे को लेकर आ रही है, वो ख़त्म हो जाए। एडिक्शन, इनको सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये वो लोग हो सकते हैं। साथ साथ हो सकता है ये जिम में वर्कआउट करते हो, चाहे वो गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। तो ये इनके जो हैं ट्रेड्स हैं, ये इनके सिम्टम्स हैं। आप इनसे पहचान सकते हैं कि ये आपके शत्रु हैं। और आपको भी अपनी, आपके साथ जिसका भी व्यवहार इस तरह का होगा, थोड़ा सा सस्पिशियस होगा, आप उसके द्वारा समझ जाते होंगे कि ये आपके शत्रु हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवहार में झलकने लगता है, कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें जो हैं क्लिक कर जाती है कि ये इंसान हमारा हित नहीं चाहता, ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।